अस्सलाम वालेकुम, गपशप विद नादिम खुशामदीद। आज हम आपको बनाने सिखाने जा रहे हैं बेसन का हलवा टुकड़ियों वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाएं जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन जो है घी ले लेना है और पैन में, एक पैन में घी को गर्म कर लेना है। मैं क्योंकि 1 किलो बेसन ले रही हूँ तो इसलिए मैंने 1 किलो ही घी लिया है और मैं इसको पैन में डाल के घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। जब मेरा घी गर्म हो जाए तो आपने इसमें 1 किलो बेसन छान के, अच्छी तरीके से छान के 1 किलो बेसन घी में शामिल कर देना है और बेसन की भुनाई शुरू कर देनी है। आप देखते जाएं कि बेसन की भुनाई कैसे हो रही है और ऐसा इसको चम्मच को हिलाते रहें ताकि गुलटियाँ ना बने। ठीक है, तो बेसन हिलाते रहेंगे हम साथ साथ और ये आप देखते जाएंगे अभी ऐसा ऐसा जब बेसन सही तरीके से मिक्स हो जाएगा तो घी छोड़ना शुरू हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपने बेसन की भुनाई करनी है। ये अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये मिक्स कर रही हूँ। ये देखें मिक्स होता गया और घी ने जैसे ही गर्म हुआ तो उसने घी ने अपना घी छोड़ा और बेसन सही तरीके से भुनना शुरू हो गया। और दूसरी साइड पे हमने ले लिया 1 किलो चीनी, क्योंकि मैं इसका शीरा भी साथ साथ ही रेडी करूँगी क्योंकि वो इसमें बनना होता है। शीरे के 1 किलो शीरे के अंदर आपने 1 ग्लास जो है पानी डाल देना है और चूल्हे पर रख के इसको शीरे को पकाना शुरू कर देना है। शीरा बनाते वक्त भी आपने चम्मच को मसलसल हिलाते रहना है, अच्छे से आपने शीरे को हिलाते रहना है। ठीक है, और ये चीनी जो पानी में मिक्स होती जाएगी और शीरा बनता जाएगा। दूसरी साइड पर मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ कि बेसन जो है हमने घी के अंदर बेसन डाला था उसको भून रहे हैं। अभी बेसन के अंदर कुछ नहीं डाला, सिर्फ बेसन और घी है और बेसन की बुनाई कर रहे हैं। जैसे ही बेसन भून जाएगा तो ये जो शीरा मैं तैयार कर रही हूँ एक साइड पर, शीरा जब तैयार हो जाएगा तो इस बेसन में डाल देंगे। तो अभी तक बेसन हमारा जो है ना भूनने की पोजीशन में आया नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है इसका जो है ये तैयार हो गया। देखें थिक सा होना शुरू हो गया और बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे दूसरी साइड पे देखें चीज, मैंने जो शीरा रखा हुआ है वो भी जो है चीनी जो है पानी के अंदर सही तरीके से मिलती जा रही है। आपने इसके अंदर इसी तरह हल्का सा चम्मच हिलाते रहना है, हल्के ऐसे चम्मच हिलाते रहना है। देखें अभी शीरा बिल्कुल तैयार नहीं है, अभी भी इसमें चीनी जो है सही तरीके से मिक्स नहीं हुई है। और दूसरी साइड पर बेसन भी जो है वो भी भून रहा है, वो भी अभी तक भुना नहीं गया। ये आप अगर देखें जी, आपके शीरे में इसका पानी जोश आना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तैयार हो गया, बल्कि जब तक एक तार नहीं बन जाएगी आपने उसे शीरे को पकाते रहना है। और बेसन देखें, पहले बुलबुले बने थे, अब बेसन दोबारा से ये जान हो गया है, कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि ये भुनाई के बिल्कुल करीब आ चुका है। यहाँ पर हमारा बेसन रेडी होने वाला है और यहाँ पर मेरा शीरा भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये देखें एक जान होकर एक तार इसमें बनना शुरू हो गया। अगर आपको लगे कि जी अभी तक शीरा तैयार नहीं हुआ या शीरा तैयार होने चेक करना है तो आप इसको ठंडे पानी में थोड़ा सा डालेंगे तो ये शीरा पानी ठंडे पानी के अंदर जम जाता है। बेसन देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका हुआ है और शीरा भी मेरा दूसरी तरफ रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो शीरा है उसको हम जो है ऐड कर देंगे अपने उसमें। तो सबसे पहले ये जो बेसन मेरा भुना गया उसके अंदर हमने सोगी डाल दिए और शीरा भी तैयार है, यकजान हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू। इन चारों चीज़ों को मैंने जो है ना 50-50 ग्राम लेके पीस लिया था और ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधे इसके अंदर शामिल कर देंगे, आधे हम जो इसकी ट्रे है उसमें डेकोरेशन के लिए के तौर पर रख देते हैं। ये देखिए अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें मिक्स करते हैं और इसमें आपने मैंने जो ऐड किया अभी ये खोपरा ऐड कर दिया इसके अंदर। देखें बेसन अच्छे तरीके से भून चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है शीरा। जी फ्रेंड्स, अब मैंने जो शीरा है देखें एक तार या जान सी तार सा बन चुका है, वो इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम जो है ना इसमें तेज़ तेज़ से चम्मच लाएंगे। ये जो सोगी हमने डाली थी वो पुली पुली से आपको नज़र आ रही होगी, तेज़ तेज़ चम्मच लाएंगे। दूसरी तरफ जो है जो ट्रे है जिसमें हमें डालना है उसे ग्रीसली कर लिए, यानी कि उसमें घी लगा लिए। ठीक है, घी लगाने के बाद इस पर ड्राई फ्रूट जो है डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डाल के इस पर जो है हमने जो बनाया है मटेरियल वो ऐड कर देंगे। सारा बेसन का हलवा जो बनाया था वो इसमें लगा देंगे। अब इसको आपने टुकड़ों में इतना काट लेना है
जिस शेप की आपने टोकरी बनानी है उस तरीके से आप काट लें और देखें हमारा बेसन का हलवा तैयार हो गया है।